नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी सीपीएस प्लांट को लेकर अब राजनीति गरमाती हुई दिख रही है। जिस तरीके से वॉइस एमपी टीम ने सबसे पहले खबर दिखाई थी, किस तरीके से विज्ञप्ति जारी की गई और किस तरीके से दवा कंपनी सहित एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के जरिए सीपीएस प्लांट को मंदसौर ले जाया जा सकता है, इस तरह की खबर हमने प्रकाशित की थी। उसके बाद अब कांग्रेस खुलकर सामने आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर जमकर आरोप लगा रही है। आइए आपको सुनाते हैं किस तरीके से हमारे रिपोर्टर अब्दुल अली रानी और कोमल शिंदे ने किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर सीपीएस प्लांट को लेकर किस तरीके से बात की और क्या कांग्रेस नेताओं ने कहा। नीमच वालों को बहुत कमजोर समझ रहे हैं, क्योंकि नीमच के जनप्रतिनिधियों ने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सांसद जी यहाँ से सुविधाएं छीन के मंदसौर ले जा रहे हैं। अब आने वाले समय में जब सारा तोल यहाँ होगा अफीम का, डोड़े चूरे का, और यहाँ से उठ के वहाँ जाके सीपीएस पद्धति से जाएगी, तो ये तो बहुत ही उल्टा हो रहा है। यहाँ के किसान, यहाँ की जनता सब चाहेगी कि सीपीएस का प्लांट यहीं हो, क्योंकि अफीम का प्लांट यहाँ है, अफीम का तोल यहाँ होता है। और अगर इस सुविधा को ले जाने की कोशिश करेंगे तो हम सांसद का खुलेआम विरोध करेंगे और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की नेता जो सो रहे हैं उनको जगाने का काम करेंगे। जग जाओ, नहीं तो जनता जगा देगी और बाहर कर देगी सत्ता से। उन्हें ऐसा लगता है कि नीमच वालों ने उनको मत ही नहीं दिए, वो सिर्फ मंदसौर एवं जावरा से ही जीत कर आए हैं। सांसद की ये निष्क्रियता है, कार्य प्रणाली पे सवाल उठता है कि क्यों वो नीमच के साथ ऐसा भेदभाव करना चाह रहे हैं। पूर्व में पासपोर्ट ऑफिस, उसको भी वो मंदसौर ले गए, जबकि हर ज़िले में सेंट्रल की ये योजना थी कि पासपोर्ट ऑफिस खोला जाए। मेडिकल कॉलेज में भी पूरे नीमच क्षेत्रवासियों ने, जिलेवासियों ने उनकी लापरवाही को देखा कि वे नहीं चाहते थे कि नीमच में मेडिकल कॉलेज खुले। निश्चित रूप से ये सब निष्क्रिय सांसद की वजह से ही हो रहा है कि नीमच क्षेत्र की सुविधाएँ वे मंदसौर ले जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ का जो सांसद है वो नीमच के साथ शुरू से दुर्भावनापूर्वक व्यवहार करता आ रहा है। सैकड़ों योजनाएं जो नीमच में चल रही थी वो मंदसौर में ले गया है। एनसीसी कार्यालय वो मंदसौर ले गए हैं, जबकि यहाँ ओपीएम फैक्ट्री है, यहाँ डीएनसी ऑफिस है, यहाँ पूरा स्टाफ है, कॉलोनी है। उसके बाद भी अगर वो सीपीएस प्लांट अगर मंदसौर ले आया जा रहा है तो इसका कांग्रेस घोर विरोध करेगी और सांसद का घेराव करेगी, और वक्त पड़ा तो हम सांसद को नीमच में घुसने भी नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें लाठी खानी पड़े, गोली खानी पड़े। सांसद का घेराव करेंगे और ज़्यादा कुछ हुआ तो उसको चूड़ियाँ भेंट करेंगे हम।